मैं एक फास्ट फूड दुकान पर गया जिसका मेन्यू काफी लुभावना था। मैंने सोच ही लिया था कि मुझे क्या मंगवाना है। इतने में ही एक वेटर ने मुझसे पूछा, सर क्या आप हमारे कॉम्बो ऑफर्स ट्राई करना चाहेंगे? कॉम्बो मेन्यू में काफी आकर्षित करने वाली चीजें थी। ऑर्डर के साथ एक पेय पदार्थ और फ्राइज एकदम मुफ्त थे। मैं काफी संतुष्ट हुआ खा पी कर। कुछ दिन बाद मेरे करीबी दोस्त को सीने में दर्द हुआ और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे दोस्त का परिवार असमंजस की स्थिति में था। अस्पताल के कर्मी ने उन्हें बताया कि मेरे दोस्त के लिए एंजियोग्राम करना पड़ेगा। उन्हें सलाह दी गई कि एक अच्छा कॉम्बो भी है जिसमें उन्हें एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी और हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है जो ज्यादा सस्ता है बजाय उन तीनों के अलग अलग करवाने के। मैं चकित था। यदि उन्होंने निदान प्रक्रिया शुरू ना की होती तो उन्हें पता होता कि क्या करना चाहिए। कितने रचनात्मक है ये अस्पताल जो मरीज में से सबसे ज्यादा फायदा निकालने के लिए हर तरह के कॉम्बोस का इस्तेमाल करते हैं। सारे अस्पतालों में अब ये बातें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। इंसान आज सिर्फ एक ऐसी वस्तु बन गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। आदमी की कीमत में गिरावट आ गई है। शायद हम अब एक कॉम्बो बन गए हैं। ईर्ष्या, जलन, वाद विवाद इन सबके। पवित्र शास्त्र हमें जोर देकर प्रोत्साहित करता है कि एक दूसरे को सहन करो। कुलूसियों 3:13-14 आयत में लिखा है, तुम आपस में जब कभी किसी से कोई कष्ट हो तो एक दूसरे की सह लो और परस्पर एक दूसरे को मुक्त भाव से क्षमा कर दो। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा कर दिया। इन बातों के अतिरिक्त प्रेम को धारण करो। प्रेम ही सबको आपस में बांधता और परिपूर्ण करता है। एक ऐसे समाज के बारे में सोचें जहां पर लोग पवित्र शास्त्र में बताए गए कॉम्बो को जीते हैं। अगर ऐसा समाज होगा तो वो कितना अनोखा होगा।